तुम्हारे पीछे क्या आंखें लगी है? ये सब किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया, किसने किया, क्यों किया, मैं नहीं जानता। पर साले ने कहां किया ये मैं नहीं भूल सकता। बल्लू कुमार, वो भाई बल्लू। हाँ, मैंने सुना तेरे साथ हादसा हो गया यार। क्या हादसा हो गया यार? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया यार, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मैं। अरे कुछ ना हुआ, जरा घोड़ी माड़ी से पीछे छू के निकल गई। छू के निकल गई, गोली का चांस मार रही थी जो छू के निकल गई, चीर के निकल गई, फाड़ के निकल गई, सारा फाउंडेशन हिला दिया है मेरा। अरे यार अभी तू पॉजिटिव साइड देख बल्लू। हाँ, गोली अगर अटक जाती तो ब्लॉकेज हो सकता था यार। डरा रहा है मेरे को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, आप कौन सी कोर्ट से हैं? मैं पाम कोर्ट से। मेरा कहने का मतलब है आप कौन सी कोर्ट में हैं? मैं ब्लैक कोर्ट में हूँ। अरे आप वकील हैं क्या? नहीं तो, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो ऑडिशन देने जा रहा था, वकील की ड्रेस पहन के आया हूँ, ये मेरा कस्टमर है। कस्टमर क्लियर करना है, गलत समझेगा। मतलब मैं इसका कस्टमर हूँ, इसी गाड़ी में बैठता हूँ हमेशा, आते जाते रहते हम लोग। अरे तू वकील नहीं है तो पैदा क्यों नहीं बोला भाई? आपने पूछा नहीं। वकील के कपड़े पहन के आ जाते हो, बोलना चाहिए ना वकील नहीं हूँ मैं। नहीं, आप पुलिस के कपड़े पहन के आप बोल रहे हो कि मैं पुलिस वाला हूँ? अरे मैं तो पुलिस वाला हूँ। तो मेकअप करो नहीं हो? अरे चल मार, बैठ, चल शट अप, निकल मार। तो पुलिस वाला हो के चौकीदार की तरह बात करता है यार। मुझे गोली लगी है? आओ, आ, कहाँ है बे भूत? अरे कौन सी लड़की है भाई, मुझे तो कोई सी भी दिखाई ना दे रही है। ये हम भूत ढूंढने आए, लड़की ढूंढ रहा पुलिस वाला है ना। 300 रुपए दे रही हूँ, मैं शर्मा जी से बात कर लूंगी। मैडम जी पुलिस। 100 रुपए के लिए तो पुलिस ले आया पिंकी। पिंकी, ये कौन है पिंकी? मैं। इस कबीज का नाम पिंकी है। अरे पप्पू। तुम तो कल। ओह मैडम जी, स्कूटी मैंने बनवाई थी ना। हाँ। मैं रुको के चलो मैडम, आप अकेली हो और इन लोगों का भरोसा नहीं है आजकल, ऐसा टीवी में कह रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए? एसीपी साहब ने थाने में बुलाया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए इतने सारे लोग बुलाए। कौन है वो? पहचानो जान? ले लूंगा उनकी। पहचानो, इन्हें कहीं देखा है मैंने? ये नहीं, नहीं ये नहीं हो सकते, ये तो अपने सेक्टर के लोकल एमएलए हैं, आप लोगों ने वोट दिया है, 2 महीने से अंदर है, ये नहीं हो सकते। ये हमारे कार्य के बिल्कुल प्रतिकूल हो रहा है मैम साहब, मैं जागो इंडिया का वरिष्ठ पत्रकार हूँ, समाचार संस्था में इसका उल्लेखन करूंगा, मुझे भी यहाँ लाकर कतार में खड़ा कर दिया है। मुझे चाय दिया तो मुझे भी लाइन में खड़ा कर दिया। शट अप। तो ये है दिल्ली पुलिस, अगली बार मुझे यहाँ बुलाया या अपने बॉडी बिल्डर फ्रेंड को मेरे घर भेजा तो देखना क्या होगा, बहुत बुरा होगा। ये छोरी भी थोड़ी क्रैक लग रही है, आपने इतनी मेहनत करी साहब जी और ये क्रैक ही लग रही है। तुझे बॉडी बिल्डर बोला? अबे जागो इंडिया का पत्रकार है ना, तेरे को जगाता हूँ। खबर तो अब हम नहीं पाएंगे। ये मामला संसद तक जरूर जाएगा। मेरी बाप भी नाराज कर दिया। आज खराब हुआ।